मैं अपने सत्र को शुरू करूं उससे पहले कुछ तथ्य जो एकदम से झटका देते हैं, जिनसे पता चलता है कि बाप रे ये कितना बड़ा एक तरह से संगठित अपराध है और जिसके बारे में जो हमारे आसपास कभी कभी घट भी रहा होता है हम इसको बहुत ध्यान से नहीं देखते। मैं अमेरिका के आंकड़े देख रहा था, एक स्लेव का औसत मूल्य $90 है आदमी की कीमत। एक आदमी एक दास खरीदना हो आपको, एक इस तरह का मजदूर खरीदना हो आपको, तो औसत मूल्य 5,000 से 6,000 रुपए है मात्र। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है एक फर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें मूल रूप से वेश्यावृत्ति के लिए, मानव तस्करी, दासत्व के लिए, जबरन मजदूरी कराने के लिए, कभी कभी पोर्नोग्राफी के लिए, या हमारे पर्टिकुलर इस उत्तराखंड के संदर्भ में कहूं मैं, मुझे ध्यान है मैं सतपुली के आसपास एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा होता था और बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि साहब कक्षा 11 की कोई बच्ची कई दिन तक स्कूल नहीं आई, पूछो क्यों नहीं आई तो पता चला कि साहब शादी हो गई। अचानक अचानक शादियां ऐसे होती थी कि हरियाणा से 2-4 बड़ी बड़ी लग्जरी कारें आती थी, हफ्ते भर वो लोग किसी पर्टिकुलर गांव में रहते थे, खूब शादी का फंक्शन होता था, उन गरीब बच्चियों के लिए नए कपड़े मिल जाना, 2-4 सोने के गहने मिल जाना, या कई बार तो ठीक ठाक सा खाना मिल जाना, या शहर जाने की एक रूमानी कल्पना, यही बहुत बड़ी चीज होती थी। लेकिन वो लड़कियां उस विवाह के बाद गई कहां, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। हमारे पास हरियाणा जैसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात बहुत ही कम है और ऐसे राज्यों में मैं अभी भी वर्तमान में मैं उत्तरकाशी में हूं और उत्तरकाशी से भी बहुत सारी लड़कियां हरियाणा जा रही हैं। क्या हमारे यहाँ इस समस्या को ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली समस्या से जोड़ के और उसके असली मायने क्या है इस तरह से समझा जा रहा है बात को या नहीं समझा जा रहा है, इस ओर भी यहाँ पर बैठे हमारे सभी जागे हुए लोग कहूंगा मैं, आप सबके लिए जो है ये कुछ संकेत भी है कि क्या हमें भी रंगू सौर्या जैसे कुछ लोगों की जरूरत है जो उन बच्चियों की या हमारे कई इस तरह के बच्चों की मदद कर सके। रंगू सौर्या जी को और उनके संस्थान को बहुत सारे उनके कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। मैं एक बार हल्का सा आपको इसके बारे में बता दूं, उन्हें 2009 में उन्हें यंग अचीवर्स अवार्ड बाय फिक्की एंड टाइम्स ऑफ इंडिया मिला। सन 2011 में उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स सोशल ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2012 में सुशीला देवी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। सन 2016 में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने इलाके में महत्वपूर्ण काम करने वाली 100 महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया, जिनको बाद में राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया अवार्ड जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें दिया गया और ये उन 100 महिलाओं को चयनित किया गया जो अपने समुदाय में परिवर्तन की वाहक बनी है, दार्जिलिंग में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और भारत में। रंगू सौर्या जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करने वाले महत्वपूर्ण और बहुत कम इस तरह के लोगों में से हैं। मैं मंच पर उनका स्वागत करता हूं। इन्होंने 2004 में काठमांडू जाकर के मैत्री एक संस्था है एनजीओ नेपाल का, उनके साथ और अनुराधा कोइराला नेपाल की कार्यकर्ती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ ट्रेनिंग ली, वहाँ जा करके सीखा। असल में नेपाल हम ये जहाँ पर बेस्ड हैं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के ये इलाके एक तरह से मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक बेस कैंप जैसे हो जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। ये एक तरफ
बांग्लादेश से जुड़ते हैं, एक तरफ हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से जुड़ते हैं, उधर नेपाल से जुड़ते हैं, और इन सारे इलाकों से लाई गई लड़कियों को वहाँ पर कलेक्ट करके उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में और कई बार ओवरसीज में अन्य देशों में भी भेजा जाता है वहाँ पर, और ऐसी महत्वपूर्ण जगह में रंगू जी कार्य कर रही हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ रंगू सौर्या जी को कि वे अपने अनुभवों से हम सभी को परिचित कराएंगी। हम सब उनसे बीच बीच में अपनी जिज्ञासाएं भी उनके समक्ष रख सकते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ अगर इस तरह की समस्याएं हैं और हम में से कोई उसके लिए काम करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, इन सारी बातों को लेकर के वो हमारे बीच आएंगी। मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, आदरणीय रंगू सौर्या। आराम से गिरा रहे यहाँ पे पानी, नहीं ठंडा हो रहा है ना, बर्फ गिर रही है। सुबह से बैठे हुए हैं और अभी मेरा प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी को और देहरादून वासियों को मैं कंचनजंगा उद्धार केंद्र की तरफ से नमस्कार करती हूँ। और विशेष ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है ये तो थोड़ा बहुत उमेश जी ने यहाँ पे बोल ही दिया है। ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, अगर इसको पूरे सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे तो शायद पूरा टाइम चला जाएगा। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और यह कैसे होती है, इतना लंबा मैं नहीं जाऊंगी, पर पिता का नाम ये तुम्हारा गांव ये ऐसा बोले मैं वो सोचने लगी कि आपको कैसे पता हुआ। तो मैंने बोला कि ये मैं एनजीओ से, तो उसने बोला कि दीदी मुझे यहाँ से निकलना तो है लेकिन मुझे यहाँ से कैसे निकलूं, मैं अगर यहाँ से निकलूं तो मेरा घर वाले शायद मुझे नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा घर बहुत स्ट्रिक्टली थी। तो मैंने बोला कि तुमको यहाँ रहना है नहीं रहना है, उसने बोला कि नहीं ऐसी जगह में मुझे नहीं रहना है। तो मैंने बोला कि चलो, तो रात को उसके साथ दूसरा लड़कियों को भी हमने अपने मुंबई से रेस्क्यू किया, फिर ले जाकर हम लोग ने होटल में रखा और होटल में रखने के बाद कल फिर उस लड़कियों को वहां से चिवाड़ के लिए थाने में लेके जाना था। और सुबह जब ऐसे 9:30 बजने वाला था तो एक टैक्सी मंगाई और उस टैक्सी में उस लड़की को लेके जाने के लिए हम लोग रेडी होकर निकले थे। जैसे बाहर निकले रोड में निकले तो वहां पर टैक्सी में उठते उठते उस लड़की बेहोश हो गए। तो मेरा समझ में नहीं आया कि इसको क्या हो, फिर उठा के हम लोग ने अंदर लेके आए, फिर पानी वो किया, फिर डॉक्टर के पास लेके गए और बाद में पता चला बोला कि 3 साल से ऐसी जगह पे थी जहाँ पे वहाँ पे हवा नहीं था, वहाँ पे मतलब जो हम लोग दिन का धूप देते हैं वो नहीं था, रात का सिर्फ वो 3 साल एक लाइट के भर पे वो वहाँ पे थी, ऐसा एक रूम में वो बैठा हुआ था। दैट मीन्स 3 साल के बाद जब डायरेक्टली बाहर का धूप उसके नजर में आया, उसने सहन नहीं कर पाया तो वहाँ वो लड़की गिर गई थी। तो ऐसे कंडीशन में उस लड़की को हम लोग ने निकाला था। ऐसा बहुत 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 सारा केसेस है, कई बार हम लोग रेस्क्यू में चले जाते हैं तो जो ट्रैफिकर लोग होते हैं जो या पेंट्स वगैरह होते हैं उनका सामना करना पड़ता है हमें, क्योंकि जब रेड लाइट में पहुंचे तो इजीली कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग कहीं भी अगर पिक्चर में देखोगे या कहीं पे भी, पहले पहले मैं क्या सोचती कि रेड लाइट का मतलब मुद्रा वाला होता है इस टाइप से ही होगा, लोग सोचती थी, लेकिन नहीं, एक दरवाजे से जब उसको अंदर लेके चला गया तो उस लड़की ने अगर अंदर जाके भी वो ढूंढेगा उस दरवाजे में कहां से आई, उसको मिलने वाला नहीं है। जो वार होती है वो पूरा ऑटोमेटिकली सब कुछ माने अलग सा होती है, उसको बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मैं कहां पे फंसी गई हूँ। जब वहां पे लेके जाते हैं तो वहां अंदर जाने के बाद उसको 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि मैं यहाँ पे बेची गई हूँ। तब तक वो लड़की वहां पे चिल्लाएगी, वो वहां से रोएगी, वो दूसरों को मदद भी लेना चाहेगी, फिर भी वो वहां से नहीं निकल पाती है। और एक बार ऐसा भी हम लोग रेस्ट करते करते एक लड़की को हमने जब रेस्क्यू किया था तो उसको वो चल नहीं पा रही थी, वो चल नहीं पा रही थी तो उसके डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद पता चला उसने दिन में 45 पुरुष के साथ वो सहवास करती थी। तो आप सोचो एक लड़की के ऊपर कितना अन्याय, कितना अत्याचार होती है, क्या सहन करती है वो लड़की, कैसे सहन करती होगी जो आपका इस सोसाइटी का हमारे देश का लड़कियां है, हमारे घर की लड़कियां है जो आज एक जिंदा होके मरने की अवस्था में वो लड़कियां फेस करती है, खुद को दर्द फील करती है, खुद को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी एक किसी को खुश करने के लिए अपना दुख अपना दर्द छिपाते हुए दूसरों को खुश करने में वो मजबूर हो जाती है।
इस सोसाइटी में ऐसा बहुत 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 लड़कियां है, जिस लड़कियां को हम लोग बचा के निकाल के लेके आए थे, फिर एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ऐसी नजर से देखती है, जब भी देखो एक लड़की कोई एक लड़के के साथ घूम रहा हो कहीं जाके कुछ मैंने कॉफी वगैरह पिया हो या एक फ्रेंड भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा एक मैंने इस हिसाब से शंका की दृष्टिकोण से देखती है लड़की की, ये लड़की रात को इतना बजे उस लड़के के साथ है, क्यों है, ये खराब लड़की है, इसका कैरेक्टर में कुछ है, इस टाइप से मैंने ज्यादा संदेह करते हैं लड़कियों को, जिसकी वजह से वहां से आने के बाद वो लड़की उस एरिया से आने के बाद उस लड़की को सोसाइटी में हमारी उस साइड में डायरेक्टली एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग के यहाँ से जो नोट बेगा अभी उमेश जी ने बताया था कि जो ट्रैफिकिंग का रेशियो है इसमें सबसे मैंने डाटा भी इन्होंने आप लोग को दिया, उसमें से अगर आप लोग देखो कि महाराष्ट्र सबसे हाई नंबर वन में महाराष्ट्र से ज्यादा से ट्रैफिकिंग होती है और दूसरी वेस्ट बंगाल से ज्यादा होती है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से होती है। दैट मीन्स वेस्ट बंगाल से क्यों ज्यादा इतना सारा है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया भी है, बांग्लादेश से बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर है,